बड़ी खबर खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज, दिव्यांगों को मोदी सरकार होली का तोहफा देने जा रही है। सभी दिव्यांगों के खाते में आएंगे 2,80,000 रुपए। आखिर किस किस को पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कौन सी योजनाएं, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आप तक नई नई अपडेट पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आखिर कौन सी योजना और किस किस को मिलेगा फायदा। तो बात करेंगे दिव्यांग, चाहे किसी भी राज्य के रहने वाला हो, सभी राज्य के दिव्यांगों के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मोदी सरकार सभी दिव्यांगों को होली का नया तोहफा देने जा रही है। सभी दिव्यांगों को 2,80,000 रुपए मिलेगा। यह पैसा उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगा जिनका घर कच्चा है, टीन है, झोपड़ी है, जिनको अभी तक पीएम आवास योजना 2023 का लाभ नहीं मिला है और जो इसके लिए पात्र हैं, ऐसे सभी दिव्यांगों को मोदी सरकार उनको खुद का घर बनाने के लिए 2,80,000 रुपए देगी। तो इसमें आपको कैसे आवेदन करना होगा और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके पास किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। इसके बाद मूल निवास, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और अपने घर का भी एक फोटो आपको खिंचवा के जमा करना होगा, जिसके बाद आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या जनसुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके घर की जांच जिला वीडियो के द्वारा की जाएगी। अगर आपको वाकई अभी तक खुद का घर नहीं मिला है, मोदी सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आपको आपके घर के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा, जिसके बाद 2,80,000 रुपए आपके खाते में आ जाएगा और उसके बाद आप अपना खुद का घर बनवा सकते हैं, खुद की छत पा सकते हैं। इसका लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं, जिनको अभी तक दिव्यांग पीएम आवास योजना 2023 का लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों आपके घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई भी दिव्यांग ऐसा जिसको अभी तक खुद का घर नहीं मिला है, तो उनका जल्द से जल्द नजदीकी सीएससी केंद्र या जनसुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करा दें, जिसके बाद उनको खुद का घर मिल सके। तो दोस्तों ये थी आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, होली का तोहफा सभी दिव्यांगों के लिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बता दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए।